प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जेडीयू की रैली आज। काशी से नीतीश करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद। समर्थकों ने पोस्टर में नीतीश को बताया अर्जुन तो शरद यादव को कृष्ण। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद पहले दिन ही एक्शन में हरीश सरकार। कैबिनेट मीटिंग में अहम मुद्दों पर चर्चा। राज्यपाल से मिले सीएम। आज दिल्ली में सोनिया से मिलेगा हरीश मंत्रिमंडल। उत्तराखंड के बहाने शिवसेना के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी। सामना में लिखा उत्तराखंड में बीजेपी ने नाक कटा दी। देश को कांग्रेस मुक्त करने का ये तरीका सही है। उज्जैन में 3 दिन तक चलने वाले वैचारिक महाकुंभ का आगाज। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया उद्घाटन। 14 मई को प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। हाजेरी दरगाह में तृप्ति देसाई का गुपचुप तरीके से प्रवेश। ट्रस्ट को अल्टीमेटम। 15 दिनों में महिलाओं को नहीं मिली एंट्री की इजाजत तो करेंगे प्रदर्शन। मेरठ में जमीन दोज इमारत में चमत्कार। मलबे में दबे शख्स की मोबाइल ने बचाई जान। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी। आईएसआईएस के खिलाफ खुफिया एजेंसियों को बड़ी कामयाबी। भारत में आईएसआईएस के लिए भर्ती करने वाले 25 लोगों की पहचान। 3 महिलाएं भी शामिल। आज वाराणसी दौरे पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। बीएचयू के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी व्याख्यान में करेंगे शिरकत। लीबिया से सुरक्षित निकाले गए 29 भारतीय स्वदेश लौटे। तो नाइजीरिया में समुद्री लुटेरों की कैद से 47 दिनों बाद वापस आया काशी का लाल।